कचरे का इस्तेमाल करना है ना, सीखना है ना, तो कोई इनसे सीखे। सच में वहाँ पे 2 घंटा भटक गए थे और आज पता नहीं क्या होगा। नहीं मिल रहा जीतने का रास्ता है तो थोड़ी जाएगा, वो रास्ता देखो अपने को लेके जाएगा। हालत खराब हो चुकी है, इसी के लिए तो हम लोग आए थे भाई लोग। व्हाट्सअप गाइज, आई एम दुष्यंत तांडेल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए कत्थलदर वाटरफॉल और आज का मौसम देख लो कैसा है। यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो तो मैं लोकेशन वो सब डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे हमारा गाड़ी भी पार्क कर दिया है। यहाँ पर आते हो ना तो मतलब ये सैटरडे संडे तो मोस्टली क्राउड रहता है, उसकी वजह से स्टॉल भी चालू रहते हैं। तो स्टॉल चालू होने की वजह से आप यहाँ पर पूछ सकते हो कि कैसे जाना और कैसे नहीं। ये 2 आम के पेड़ दिखेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि 2 आम के पेड़ मिलेंगे, वहाँ से नीचे उतर रहे हैं आपको। और यहाँ पे लोकल्स भी रहते हैं, और जो हम लोग ने गाड़ी पार्क किया उसका 50 रुपीज़ है। तो हम लोग ने उनको पूछा कि कितना टाइम लगेगा वो वाटरफॉल तक जाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि 1.5 घंटा तो लगेगा, क्योंकि थोड़ा ट्रैक करना भी पड़ेगा और वॉकिंग भी है, तो 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लगेगा। तो आगे आपको मैं रास्ता भी बता दूंगा कि कैसे जाना और कैसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली साइंस वो बोले कि साइंस कैसे किए, जो कचरा है मतलब प्लास्टिक के बॉटल्स रिबिन्स वो उन लोग ने वो सब का यूज़ किया है। आज का मौसम भी बहुत बढ़िया है। हम लोग सुबह निकले थे 5:30 बजे, अभी टाइम हो रहा है 10:15, तो 110 किलोमीटर्स का कुछ तो राइड था हम लोग का। हम लोग कुलाबा से निकले थे, फिर खोपोली लोनावला घाट सब करके यहाँ पर पहुँचे। आप बाद में चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में जो यहाँ का लोकेशन है उसका लिंक डाल दूँगा। अगर आपको भी किसी को आना होगा तो आप आ सकते हो। तो आप ये नज़ारा देखो, उधर से जाने गए इधर से ही। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो जैसे ही आप विलेज में इंटर करते हो वैसे ही यहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग चालू हो जाएगा। और ऑफ रोडिंग थोड़ा सा ये ज़्यादा भी नहीं है, पर मज़ा आता है ऑफ रोडिंग करने के लिए भी। मैं आपको बोला था ना, जो प्लास्टिक के सहारे उन लोग ने ये किया है साइंस बनाया, तो उन लोग ने ऐसे बनाया है। देखो ये प्लास्टिक का बॉटल है, जगह ऐसे ही प्लास्टिक के बॉटल जो भी उन लोग ने ऐसे साइंस के तौर पर रखे। और मतलब मेरे हिसाब से ना वो बहुत अच्छा यूज़ किया है, क्योंकि हम लोग कैसे है कि कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर जाते तो हम लोग कचरा इधर उधर फेंक देते, पर इन लोग ने क्या किया, वही कचरे का इस्तेमाल करके जो साइंस बनाए, और वो बहुत अच्छा काम किया इन लोग ने। अगर आप थोड़े यहाँ पे आगे चले जाओगे तो थोड़ा जंगल में से भी आपको जाना पड़ेगा। ऊपर से आप जा सकते हैं सर, देखो उधर से अभी कैसे पे पीछे एक काम करो, पीछे जाओ देखिए, अभी ऊपर से जाओ, इसे ऊपर से जाओ इसे, तो वहाँ से आपको इजी पड़ेगा। नहीं आपको बैठ के आना पड़ेगा, बैठ के उतर जाओ आप। हाँ राइट वाले यहाँ पे रखो, नहीं पहले वहाँ पे उनको जगह रख दे, अब वो लेफ्ट उधर नीचे वो पकड़ेगा, अगर आप यहाँ पे आते हो तो अच्छे जो शूज को ग्रिप होता है वही पहन के आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लिपरी है, ग्रिप शूज भी काम नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना अगर आप यहाँ पर आते हो तो। चीज तो आपको बताना भूल गया कि मैं आज किन दोस्तों के साथ आया हूँ, वहीं पे जा रहे हैं, उतर रहे हैं। हाँ हाँ भाई, तो मैं क्या बोला था, मैं जो दोस्त लोग के साथ आऊँ ये सब दोस्त लोग हैं। अपना अपना नाम बता दो सब लोग। बोल रहा तू भी सुबह सुबह चलते रहे फिर आए, ठीक है सुबह लूसिफर मॉर्निंग स्टार आजम खान। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल,
Hey, my name is Shiva. Counter. It's me, Tanmay. जो है भाई पीछे तन्मय, उसका भी एक YouTube चैनल है जिसका वो भी लिंक रहेगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसका भी ब्लॉग देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा उस पर आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में एक ट्रिप पे गया था धनगर वाटरफॉल के, तो वहाँ पे भी कुछ हुआ था ऐसा, आपको आप बाद में बताता हूँ, पहले आप नज़ारा देख लो। अगर आप धनगर वाटरफॉल गए होंगे कभी तो वहाँ पे एक बंगलो है, बंगलो से नीचे जाके एक लेफ्ट मारना रहता है, पर हम लोग ने तभी क्या किया था कि राइट मारा था, जंगल में भटक गए थे वो भी 2 घंटे के लिए। फिर वापस से हम लोग आए, कितना नज़दीक था, सिर्फ 2 मिनट का डिस्टेंस था और हम लोग घूम रहे थे जंगल में 2 घंटे के लिए। इनके साथ जाता हूँ ना अभी भी कैसे कि पूरा फॉरेस्ट है, वही याद आ रहा है कि वापस किधर 2 घंटा या 3 घंटा वापस जंगल में भटकना जाए तो मुझे तो वही डर है। पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठीक से साइंस भी नहीं है, जो साइंस मैंने आपको बताया वो प्लास्टिक और ऐसे कुछ तो रिबिन्स हैं, उसके सहारे से ही आपको यहाँ पे जाना होगा। क्योंकि अगर आपने एक भी जो वे वो मिस किया तो आप यहाँ पे रास्ता भटक सकते हो और जंगल में भी खो सकते हो। इधर से तो कुछ आइडिया नहीं जा सकते कि नहीं, पर यहाँ पे साइंस है। अगर आपको ना महाराष्ट्र एक्सप्लोर करना है ना मानसून में, महाराष्ट्र जो खिल उठता है वो अदर सीजन में वैसा मज़ा नहीं आता घूमने के लिए। ट्रैक भी कर सकते हो, जो कलसुबह प्रबलगढ़ है, हरियर फोर्ट, कलावंती है, ऐसे ऐसे जगह पर आप मानसून के टाइम भी जा सकते हो। और मानसून के टाइम अगर आप जाते हो ना तो एक नज़ारा अलग ही होता है वहाँ पे ना, बहुत अच्छा लगा है। कि वो ये है कि हमेशा कचरा फेंकते हैं ना, तो यहाँ पे वही कचरे का इस्तेमाल किया है। अगर कचरे का इस्तेमाल करना है ना, सीखना है ना, तो कोई इनसे सीखे। सच में ध्यान रखना, अगर आप किधर भी कौन से भी वे को फॉलो कर रहे हो तो वे आपको बेटर लगता है नीचे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लिपरी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर आपका पैर फिसला ना तो आप सीधा नीचे जाके गिरोगे, उससे अच्छा है कि आराम आराम से चलो यहाँ पे और ध्यान दे के चलो। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो हम लोग ने वाटर बॉटल लाया था हम लोग वो फेंक नहीं रहे, तो हम साइंस बनाया है दूसरे लोगों ने भी, तो हम लोग भी वैसे ही रख रहे हैं, तो दूसरे लोगों को भी वो काम आएगा आगे जाने के लिए और रोड फॉलो करने के लिए। तो अगर आप भी ऐसा करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जंगल है और अगर आप खो गए फिर आप भटक ही जाओगे तो आपको फिर रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। आप भी वाटर बॉटल लाते हो जब फेंको मत, ऐसे साइंस के तौर पे कहीं पे ऐसे लटका दो, ऐसे लटका दो। थोड़ा अभी फ्रेश होने के लिए रुके थे और फ्रेश हो गया, अभी आगे चल रहे हैं वापस, देखते हैं अभी और कितना टाइम लगेगा। थोड़ी देर के लिए मैं भी रास्ता भटक गया था, व्लॉग शूट कर रहा था और सब लोग आगे चले गए, मैं वही देख रहा था कहाँ से जाना है कहाँ से जाना है। अभी वापस से भटक गए क्योंकि बहुत सारे लोग भी ये ट्रेल से गए हैं, अभी हम लोग भी ये ट्रेल से जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मुझे पक्का तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे वापस से घूम जाएंगे, पर कुछ भरोसा नहीं, जब भी इनके साथ आता हूँ ना मैं तो हमेशा कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। वहाँ पर 2 घंटा भटक गए थे और आज पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे 2 ट्रेल, एक नीचे, ये नीचे से जाता है, मतलब एक लेफ्ट साइड से जाता है और एक राइट साइड से जाता है, तो हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से ही गए। फिर देखते हैं, क्योंकि ऊपर भी सेम बॉटल्स ही लगा है दोनों साइड पे, शायद से दोनों साइड से आप जा सकते हो। तो पूछते हैं कि तू तेरे व्लॉग्स किस कैमरा में शूट करता है, कैसे शूट करता है, तो उनको बताना चाहूँगा कि मैं जो शूट करता हूँ वो मेरे फ़ोन में शूट करता हूँ, जो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो वो लोग वापस भी आएंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, शायद से वापस से ऊपर जाना पड़ेगा और जो राइट ट्रेल था वहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने लिया था लेफ्ट। वो लोग गए क्या वो साइड से, तो उन लोग को मिला क्या सब? तो यहाँ पर भी है थोड़ा हार्ड है पर यहाँ से जाने के लिए, हाँ वही यहाँ पे अभी बॉटल्स भी नहीं दिख रहे, बॉटल्स गायब हो गए और नीचे मतलब है, पर वो ऐसा पूरा डीप ट्रेल है और मुझे कोई रिक्स लेना नहीं है भाई, क्योंकि पहले जो मैंने कलावंती का वीडियो डाला था मेरा, उस पर ही मुझे घर वाले ने बहुत सुना है। क्या करना है भाई, जाना है कि नहीं जाना है वहाँ से? ए भाई क्या करना है? अभी हम लोग यहाँ पे श्योर नहीं थे कि नीचे से जाना है, मतलब यहाँ से ही जाना है कि नहीं, तो हम लोग 6 जन हैं, तो 4 जन नीचे गए तो देखने के लिए कि यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है कि नहीं,
तो बोले कि तुम लोग थोड़ा देर के लिए ऊपर रुक जाओ, हम लोग देख के आ जाए। तो उन लोग देख के आए अभी, तो बोले कि है थोड़ा सा रास्ता है यहाँ से जाने के लिए और अपन जा सकते हैं। इस सीन कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोग, आपने देखा कि मैंने बोला कि हम लोगों ने लेफ्ट लिया था वापस, तो वहाँ पे नहीं जाना था। हम लोग वापस से ऊपर आए थोड़ा टाइम के बाद, तो हम लोग टोटल 6 जन थे। तो 3 जन हम लोग यहाँ पर है ऊपर आ गए, क्योंकि हम लोग 3 जन रुके थे और 3 जन नीचे चले गए। तो उन लोग को इतना आवाज़ दिया तो भी वो लोग वापस ऊपर आए नहीं। तो जो बॉटल के साइन दिखाए गए ना, उसी के थ्रू जाओ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना 2 बॉटल्स है, एक यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा और एक यहाँ पे। तो आप भी ऐसे जगह पे आते हो तो जो साइन दिखाए गए वहाँ से जाना। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके, रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो आएंगे तो उनके साथ ही चले जाएंगे। तो रेस्ट कर रहे थे, वैसे ही दो तीन भाई लोग भी आ गए वहाँ से। तो उन लोग से पूछा तो कि वहाँ से रास्ता नहीं जिधर आप तुम लोग गए थे, तो यहाँ से ही जाओ जहाँ पे बॉटल के साइंस है। तो वही रास्ता है, अपन नीचे चले गए थे, बॉटल थे पर वो लोग भी नहीं आए ना। हमारे दोस्त लोग आए क्या? अभी हम लोग ने 10-20 मिनट्स हो गया वेट करते करते, पर शायद से वो लोग अभी नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए। हम लोग नीचे जाके भी देखा, लोग वही रूट फॉलो करके चले गए। तो हम लोग ये वाले वे से जा रहे हैं अभी, जहाँ पे बॉटल के जो साइंस लगे हैं। तो अभी देखते हैं, शायद से वो लोग भी हम लोग को उधर ही मिल जाएंगे। देख, आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो हम लोग ने भी, हम लोग के पास जो एम्प्टी बॉटल्स थे वो भी यहाँ पे लगा दिए है, कि बाकी लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाए जाने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हम लोग का वेट करते नीचे रुके और हम लोग ऊपर उनका वेट करते रुके, अभी पता नहीं क्या होगा। तो हम लोग अभी निकल गए ये वैसे ही, तो उन लोग का भी बहुत वेट कर लिया और नीचे जाके भी उन लोग को आवाज़ दे दिया, पर वो तो आए नहीं। उन लोग का भी कुछ आवाज़ वो सब भी नहीं आ रहा है अपना जो नॉर्मल ट्रेल है अभी, जहाँ पे सब साइंस है। तो हम लोग ने, हम लोग की गलती है वो, कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये हर जगह ऐसे साइंस है। तो हम लोग की गलती थी कि हम लोग ने वो लेफ्ट लिया। मैं बोला था ना, मैं इन लोग के साथ जब भी आता हूँ ना तो 100% घूम ही जाता हूँ किधर भी। अरे भाई देखो हंस रहा है। तो इनके साथ जब भी आता हूँ तो वही डर लगता है कि कहीं पे खो ना जाए। यहाँ से देख, वहाँ पे बॉटल है, वहाँ पे बॉटल है। अबे रुक जाओ तन्मय के लिए, रुक जाओ तन्मय। अभी हम लोग तीनों जन साथ में ही जा रहे हैं। अगर आप भी ऐसे कभी ग्रुप के साथ आते हो ना तो साथ में ही रहो। अगर आपको लगता है कि यहाँ से नहीं जाना है तो जिद मत करो कि तीन, मतलब आगे तुम लोग जाओ, हम लोग रुकते हैं। यही रास्ता सही था, क्योंकि यहाँ पे देखो हर जगह और साइंस है। अच्छा हुआ कि हम लोग ऊपर आए और दूसरे लोग भी आ रहे थे। उन लोग में से ही कुछ लोग यहाँ पे सेकेंड टाइम आ रहे थे, तो उन लोग ने बताया कि यहाँ से जाओ, यहाँ से मत जाओ, क्योंकि वहाँ से अगर आप नीचे भी जाते हो ना तो नीचे से कोई रास्ता नहीं है। ये ट्रेल बहुत अच्छा है। अभी वो लोग गए, वो जीत करके गए, अनफॉल था वहाँ पर जो छोटा वाटरफॉल है, वहाँ से उतर उतर के जाना है। और यहाँ पे नॉर्मल है, आप अपने वीडियो में बात करते देखा ही होगा कि मैं चलते चलते जा रहा हूँ ये ट्रेल पे, ये बहुत इजी वे है। तो वहाँ पे गए, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर वो वहाँ से जाएंगे तो कैसे जाएंगे अभी। ये उधर से वो लोग किधर जाएंगे नहीं, ये भी रास्ता पकड़ के आएंगे वापस, गाड़ी किधर जाएंगे तो भी हम लोग मिलेंगे ना। वो लोग अच्छे से पता है कि इधर नहीं है तो लोग आगे गए रहेंगे, नीचे तो उतरे नहीं। हाँ, कॉमन सेंस ही नहीं बनता है ना भाई, 1 घंटे में पूछना, 1-2 घंटा बैठ के फिर निकलना भी है, 1.5-2 घंटा वापस ट्रैक करने को लगेगा ऊपर। ये तो उतर रहा है, अभी इसके बाद चढ़ना है अपने को। वेदर क्या कैसा होगा किसका भरोसा, अंधेरा जल्दी होता है। तो जान से प्यार है क्या कुछ भाई, भड़क गए। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए। अगर ये आप मेरे पीछे स्टॉल देख रहे हो ना, तो ये लास्ट स्टॉल है यहाँ का। और यहाँ से अगर आप 10 मिनट्स का वॉक करते हो तो आपको वाटरफॉल मिल जाएगा। तो स्टॉल चालू रहेगा तो आप स्टॉल वाले को पूछ सकते हो कि कहाँ से जाना है, तो लोग आपको बता ही देंगे कि कहाँ से जाना है। इसी के लिए तो हम लोग आए थे भाई लोग, इसी के लिए हम लोग आए थे। देख लो आज बारिश ने इसके लिए ज़्यादा फ्लो नहीं, पर क्या लग रहा है। एंड फाइनली अपने भाई लोग भी आ गए, सही सलामत आ गए, आ गए, आ गए भाई लोग आ गए। आराम से हो चुका है हम लोग। ये लोग खो गए थे नीचे जाके, अभी वापस आ गए, बस एक बंदा बाकी है। मोजिम का है, मोजिम आ रहा है, वो भी आ रहा है। हालत खराब हो चुकी है, बहुत गंदा लोग घूम गए थे। मजा आया कि नहीं आया नीचे उतरते वक्त? बेकार, ये बात ही छोड़ो, अभी मजा आ रहा है इधर। बहुत ही अच्छा व्यू है, आप लोग देख सकते हो खुद ही यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। ओवर
बहुत हार्ड ट्रैक था जिसके लिए सब तरसते हैं आने के लिए, जो मेन ट्रैकिंग पर्पस होता है हमारा कि हमको वाटरफॉल देखना है करके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रेल, इट्स सो नाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल। आप आते हो ना तो आप कुछ जान जाओगे कि यहाँ पे आके कैसा फील होता है और कैसा लगता है। जो जो टाइम इन लोग के साथ आया हो तो हमेशा ये तो डर रहता है कि हम लोग कहीं पर घूम जाएंगे या कुछ तो होगा, और ये टाइम भी थोड़ा बहुत ऐसा ही हुआ है। कभी कभी कैसा होता है कि जो हम फील करते हो शब्दों में नहीं बता सकते, चीज़ भूल जाते हैं, जो खो गए थे एक घंटा जो खो गए थे जंगल में, वो सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं ऐसे वक्त पे। फिर हम लोग इसी चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हमें डेस्टिनेशन आ गए, हम पहुंच गए, अभी उस पल को इन्जॉय करते हैं। तो हमेशा वैसा ही कुछ होता है और यही ये ग्रुप की एक स्पेशल चीज़ है। वॉटरफॉल की और एक खास बात है, यहाँ पे एक केव है उसको बोलते हैं आई काव केव, मुझे शायद ठीक से प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप अगर गूगल करते हो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ से आपको बताता हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। और मैंने सुना था कि उधर वो केव्स में मिनिमम 100 पीपल रह सकते हैं, ये सुना था। अभी हम लोग जाके देखते एक बार। अभी हम लोग यहाँ पे केव्स में आ चुके हैं, यहाँ पे मोस्टली 3 या 4 केव्स हैं, वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 100 लोग रह सकते हैं। तो आपको मैं जिस केव में आया हूँ उसका नज़ारा दिखा देता हूँ। ऐसे ही और यहाँ पे 3 या 4 केव्स हैं, पर वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे। आप ऐसी जगह पे कभी भी जाते हो ना आपके दोस्तों के साथ, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे इतने यादें अपनी समेट लो क्योंकि आगे जाके आपको वही सारी चीज़ें याद रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको इसमें से कौन से पार्ट जो अच्छे लगे वो ज़रूर बताना, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चलो टाटा बाय बाय। ये ट्रिप पे सबसे ज़्यादा एक जो चीज़ पसंद आई है वो है कि जो कचरे का इस्तेमाल किया गया है जो साइंस के थ्रू, वो बेस्ट लगी है मुझे यहाँ पे। और अभी दोस्तों को पूछते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या लगा है। मुझे यहाँ का एकदम व्यू बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे को वो बॉटल वाला जो लोग का जो रास्ता दिखाने वाला वे था वो सबसे बेस्ट लगा मुझे। वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल व्यू, बहुत बेस्ट वाटरफॉल, बहुत मैजिकल था इधर का, बहुत अच्छा था वाटरफॉल, इधर का व्यू बहुत अच्छा था और वाटरफॉल भी बहुत अच्छा था। और मैं इधर जो डाइव किया तो सब पब्लिक मुझे देख रहे थे, मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली लाइक वी वांटेड टू कम लाइक दिस वाटरफॉल लाइक फॉर लॉन्ग बैक, एंड फाइनली वी केम, वी गॉट दैट वाटरफॉल, सो वी आर हैप्पी। द ट्रिप वॉज वर्थी, द वाटरफॉल वॉज मैजिकल। यू कैन कैच दिस ऑन लाइक हिज व्लॉग, इवन आई वुड बी अपलोडिंग, ही वुड बी शेयरिंग माई लिंक, इवन गो subscribe his channel, have a watch, give a view on my channel, and my brother dived a rocking one, just catch his glimpse on the vlog.